हरियाणा के अंबाला में एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलने की घटना सामने आई है। महिला की पहचान नेहा पत्नी अश्विनी उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। हालत गंभीर होने के चलते महिला को चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार महिला सुबह अपने घर से कपड़ा बाजार में आई थी, जहां पर दुकानदारों ने दुकानों के पीछे खाली पड़े प्लॉट की ओर महिला को जलते हुए देखा। दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, तब तक महिला काफी जल चुके थे, जिसे तुरंत अंबाला के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर उसकी हालत को गंभीर होने के कारण उसे चंडीगढ़ PGI के लिए रेफर कर दिया गया। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आग महिला ने खुद लगाई या किसी अन्य कारणों से लगी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये नई बस्ती है, कपड़ा मार्केट के बैक साइड में है और सुबह करीबन 9 बजे के आसपास की घटना है। एक लेडीज है निधि नाम की, निधि वाइफ ऑफ अश्विनी और अम्बाला की रहने वाली है, सौम्य मोहल्ला की। करीबन 9 बजे के आसपास उसको आग लगी है। अभी किस कारण से लगी है इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते, जान जा रही है अभी। कितने अभी सर कुछ नहीं पता, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ, यहाँ से उसको एडमिट कराया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ से रेफर होगी PGI 12। सिर्फ टीमें कौन कौन सी टीमें यहाँ पर आएंगी? ये हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम है, वो भी मौके की जाँच कर रही है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।